कुदरती आवाजें सुने और तंदुरुस्त रहें। अमेरिकी जामियात ने कई मुतालियों स्टडीज़ का तजियाती सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कुदरती माहौल की आवाज़ें सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। कार्टिलन मिशिगन स्टेट और कोलाडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी कौमी पार्क सर्विस के तआवुन से बताया है कि फितरी आवाज़ें न सिर्फ कानों को भली लगती हैं बल्कि इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती हैं। इसी तरह घने दरख्तों के दरमियान चहलकदमी से ज़हनी तनाव कम होता है बल्कि दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इसी मुनासिबत से साइंसदानों ने 36 शायाशुदा तहकीकी मकालों और मुतालियात का मेटा स्टडी किया है। वो कहते हैं कि बड़े शायर और अदीब फितरी आवाज़ों से महजूज़ होते रहे हैं, जबकि अस्पताल और तजुर्बा गाह में भी लोगों पर कुदरती आवाज़ों के तजुर्बात किए गए हैं। एक तजुर्बे में बहुत से मरीजों को अमेरिका के 66 नेशनल पार्क्स की 251 आवाज़ें सुनाई गईं तो मरीजों के दर्द में कमी, मूड में बेहतरी, मुस्बत सोच में इजाफा और डिप्रेशन कम हुई। इनमें बहते झरने की आवाज़ सबसे ज़्यादा मुफीद रही और परिंदों की दिल आवेश चहचहाट सुनने से ज़हनी तनाव और उलझन में कमी वाक़ हुई। इस तहकी को सूती आलूदगी का उलट भी कहा जा सकता है, यानी जिस तरह ट्रैफिक, कारखानों और मशीनों की बेहंगम आवाज़ें इंसान को चिड़चिड़ा बना रही हैं, ऐन इसी तरह फितरत की नरम आवाज़ें इंसानों को सुकून बख्शती हैं।